ओ भाई, हम लोग अभी एक रॉकेट लॉन्चर बना सकते हैं। विद व्हाट? ओके, रॉकेट लॉन्चर बनाने की तो भाई औकात नहीं अभी। कुछ और बना सकते हैं क्या? वी कैन मेक एन असॉल्ट राइफल डूड। थोड़ा सा भाई रिफाइंड इनगेट्स मेरे पास हैं क्या? वी हैव, ओ भाई, ओके, फोर। या आई डोंट थिंक मुझे नॉर्मल इनगेट्स के लिए इतने सारे और बर्बाद करने चाहिए थे। या थोड़े और कलेक्ट करने पड़ेंगे। बट वी ऑल्सो नीड सम कार्बन फाइबर केबल। वो हैं क्या हमारे पास? ओ, हम लोग बना सकते हैं। अपेरेंटली कोल और चारकोल दोनों से बन जाता है, तो दैट इज़ ग्रेट। हमें थोड़ा चारकोल भी चाहिए, पर चलो भाई फार्म तो करना ही पड़ेगा। मतलब हाँ, लेट्स गो टू अ फार्मिंग बेस गाइस। एंड आई थिंक भाई इतना काफ़ी होना चाहिए। लेट्स सी भाई, काफ़ी ओवर है अपने पास। दिस शुड बी इनफ। ओके, रिफाइंड मेटल, देयर वी गो। साकुज़ा बॉय, काम पे लग जा भाई तू। एंड देयर वी गो। ओके, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए होपफुली। लेट्स सी इफ यू कैन मेक द गन। यस, असॉल्ट राइफल। ओ भाई, लेट्स गो। वट विल इट बी लाइक? मेरे पास आई थिंक थोड़ा एमो तो है इसका। आई शुड हैव सम राइफल एमो। ओ भाई, अनुबिस के तीज बनाते हैं भाई। ओके, ऑसम ऑसम अनुबिस, थैंक यू फॉर दैट। हॉट डैम सिन भाई, राइफल लग तो तगड़ी रही है। इसमें क्या साइलेंसर लगाया हुआ क्या? वट इज दैट? इज दैट अ कंप्रेसर समथिंग? आई डोंट नो मैन। काफ़ी टाइम हो गया भाई पबजी खेले हुए, आई फॉरगॉट ऑल द वर्ड्स। पर क्या मेरे पास राइफल एमो है? होपफुली मेरे पास हो यार। ओके, हमारे पास थोड़ा सा असॉल्ट राइफल एमो है। 94 शुड बी फाइन, राइट? असॉल्ट राइफल वैसे तो भाई जल्दी ख़त्म होता है। आई थिंक मेरे पास इतना ही है अभी। श्योर मैन। ओके, किसको पिटना है भाई? अच्छा, ये लोग बड़ा अत्याचार कर रहे हैं भाई। ए, रुक जा, तेरे को मारता है मैं। क्या रे लड़के, ओ माय गॉड। आई मीन, ओके, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेरी लेवल कुछ ज़्यादा ही है ना उससे। डैम डूड। ओके, हेड शॉट से 469। एक सेकेंड, उसको इतना ज़्यादा कैसे पड़ा था? उसको कुछ ज़्यादा ही पड़ा था भाई डैमेज, 800 कुछ पड़ा था भाई। ओके, मुझे थोड़ा हाई लेवल एरिया ढूंढना पड़ेगा जो कि ऑलमोस्ट मेरे लेवल्स के बराबर है। पर डूड, इस वाले एरिया में तो वी आर गना किल इट मैन। डूड, ऑटोमेटिक है यार ये। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक ओके, आई थिंक इधर एक बॉस होना चाहिए। लेट्स सी, या यहाँ पे एल्फी ड्रान होना चाहिए भाई। ओ शिट, ओके, दैट वाज नॉट इंटेंडेड, पर ठीक है भाई। ओके, ऑलरेडी हमने काफ़ी हेल्थ निकाल दी उसकी। पापा की परी, चिल ब्रो। ओए चिल, तू भी चिल कर। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। ओ ओ ओ ओ ओ, ओके, ठीक है, आई सी यू। मतलब ठीक है, हेडशॉट से काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यार, एमो कितना जल्दी ख़त्म होता है यार इसका। कम ऑन मैन, मुझे पूरी तरह से इसको इसी से मारना है यार। कम ऑन डूड, एंड देयर वी गो, नाइस यार। ओके, गन तो काफ़ी सही है। ऑल्सो लेट्स ईट दिस थिंग आउट ऑफ हियर। इधर आ रहे लड़के, इसको पहाड़ी से फेंकने का मन कर रहा है मेरा। हो, इधर है, इधर है। इतना गायब क्यों होता है ये? वी, ओके, सो थोड़ा टाइम भाई हो चुका है। इट्स बीन अ फ्यू डेज। एंड भाई, एक नया अपडेट आया पैलो वर्ल्ड का, जहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ ऐड किया है भाई। उसमें से कुछ चीज़ें मैंने अनलॉक भी किया है, आई विल शो यू। पर ऊपर तुम लोग देखोगे भाई, वो जर्नी वाली चीज़ फिर से आ गई है, जो कि स्टार्टिंग में भी दिखती थी। कैन आई टर्न दिस ऑफ? आई डोंट लाइक दिस। पर इसमें बेसिकली ये लोग दिखा रहे हैं कि जो लास्ट टावर है उसको जाके डिफीट करो। तो लास्ट टावर भाई है हमारा यहाँ पे। एंड या, वी हैव टू गो एंड डिफीट दिस वन। ये बस आखिरी वाला बचा हुआ है, करेंगे भाई। बट कैन आई डिसेबल दिस? ओके, आई थिंक मेरे को सेटिंग मिल गई है भाई। सेव एंड या, ऑसम, लेट्स गो। तो चलो भाई, एक तो ये भाई इन्होंने प्रोग्रेस ट्रैकर डाला है, बट ऑल्सो इन्होंने यार इतनी सारी नई चीज़ें डाली हैं, तो मैं क्या बताऊँ भाई। एक तो इन्होंने डाला है भाई यहाँ पे ओर माइनिंग स्टेशन, एक ओर माइनिंग साइट डाली है, जहाँ पर तुम ओर माइन करा सकते हो। अब दैट इज़ क्रेजी भाई। तो इसका एक सेकेंड वाला वर्जन भी है, जो कि है आई थिंक यहाँ पे, या ओर माइनिंग साइट 2। तो एक तो ये मस्त चीज़ है भाई। और रिंग ऑफ मर्सी करके एक चीज़ आई है, जो कि एक एसेंशियली काम करती है फॉल स्वाइप की तरह। तो जैसे फॉल स्वाइप होता है पोकेमॉन में, जो कि 1 HP पे छोड़ देता है पोकेमॉन को, वैसा ही है। तो अगर तुम इसको पहन के रखोगे तो तुम 1 HP से और ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकते बंदे को। लाइक 1 HP पे उसकी हेल्थ रह जाएगी। आई थिंक उन्होंने कुछ पैसिव एबिलिटी में भी ऐसा कुछ किया है पैल्स के लिए। बट या, दिस अ लॉट ऑफ न्यू स्टफ मैन। ये देखो, होमवर्ड थंडर क्लाउड, इसको यूज़ करने से यू कैन टेलीपोर्ट टू द क्लोजेस्ट बेस। दैट इज सच ए कूल थिंग ब्रो। समनिंग ऑल्टर भाई, ये एक इन्होंने नया रीड बॉस वाला सिस्टम डाला है, जहाँ पे तुम समनिंग ऑल्टर की मदद से रीड बॉस को कॉल कर सकते हो, एंड अपने पैल्स की मदद से भाई उसको हराओ, उससे कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। साउंड्स इनसेन यार। तो मेरे को ये चीज़ ट्राई करनी है, बट मेरे को पता नहीं कि ये
कैसे स्पॉन करते हैं इसको, वी हैव टू सी कैसे स्पॉन किया जाता है। ऑल्सो 50 पे पहुँचने वाले हैं तो भाई आई थिंक इट शुड नॉट बी दैट हार्ड टू डिफीट, बट ओके लेट्स सी। ऑल्सो इन्होंने की एबिलिटी ग्लासेस भी डाले हैं, इससे भाई तुम स्टैट्स देख सकते हो ऑफ डिफरेंट पैल्स, वाइल्ड पैल्स के। आई थिंक इन्होंने एक आइटम और डाला है जिससे कि तुम्हें कोल्ड रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस दोनों एक ही क्लॉथ से मिल जाती है, तुम्हें दो चीज़ें पहनने की जरूरत नहीं है। सो या मन, अ लॉट ऑफ न्यू स्टफ, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। बट यार ये रेड बॉस वाली जो चीज़ है ना, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आई काइंड ऑफ वांट टू ट्राई दैट आउट। ओ रियली भाई, हम लोग अब लार्ज पैल सोल, मीडियम पैल सोल ये सब बना सकते हैं अब, दैट इज ग्रेट ब्रो। तो स्मॉल पैल सोल के लिए भाई हमें चाहिए मीडियम पैल सोल्स, एंड मीडियम के लिए हमें चाहिए स्मॉल पैल सोल्स। मतलब तुम्हें एक्सचेंज ऑफर करके करना पड़ेगा भाई, ठीक है, इट्स फाइन। ये समनिंग ऑल्टर से पहले कुछ और ट्राई करेंगे, मुझे ये ओर माइनिंग साइट ट्राई करने का मन कर रहा है। एंड हम लोगों ने एक ओर माइनिंग साइट 2 खोला है, सो वी ऑल्सो हैव लाइक मटीरियल फॉर दीज। लेट्स सी ओर माइनिंग साइट एंड ओर माइनिंग साइट 2। ओके लेट्स बिल्ड दिस शिट। यहाँ पे जगह काफ़ी कम है यार, आई थिंक आई कैन रिमूव दिस, मैं इसको यूज़ भी नहीं करता हूँ, मेरे पास कुछ ज़्यादा ही स्टोन है भाई अभी इस टाइम पे। तो या मैन, वी कैन डू इट। और भाई वुड भी मेरे पास कुछ ज़्यादा ही है, तो श्योर मैन, वाई नॉट। और थोड़ा सा इसको पीछे रखें क्या, थोड़ा सा पीछे रखते हैं इसको। There we go. Oh, what overlaps with another character? What are you talking about, bro? सब कुछ सही तो है। अबे साले हटना है यहाँ से, तू इस बीच में आ रहा है। हाँ मैं जाइयो फिर से, तू अगर तुम्हें कुछ दिख गया उधर बेटा, तू देख फिर, देखो मैं बुचर कर दूंगा, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई। ओके यू नो व्हाट भाई, यहाँ पे लग ही नहीं रहा है। लेट मी जस्ट गो बैक टू माई लाइक फार्मिंग बेस एंड ऑसम, लेट्स गो भाई, फाइनली ब्रो। ओके तो अनुबिस को मैं डालने वाला हूँ, आई थिंक अनुबिस ही सबसे तेज काम करेंगे ना इसमें, तो एक माइनिंग में तो मेरे को वही सही लगे भाई। चल तू जा। और अनुबिस नहीं है क्या मेरे पास भाई? डूड वी हैव टू कैच मोर अनुबिस। नहीं यार मेरे पास होंगे अनुबिस, तो मैंने इतने सारे बच्चे तो पैदा कराए थे भाई। वेट वेर आर ऑल दी अनुबिस? अच्छा मैंने इसमें डूड आई थिंक मैंने सारे कंडेंस करा दिए भाई। डूड दिस माइनिंग साइट इज बिग एज हेल ब्रो। ओके भाई ओके, फार्म काफ़ी जल्दी हो रहा है यार। मैंने ऑलरेडी इतना फार्म कर लिया डूड, तो अनुबिस तो क्रेजी फार्म करने वाले हैं, दिल फार्म लाइक क्रेजी वन। ओके लेट्स सी इसको असाइन करते हैं इस पर, कितना तेज फार्म कर रहा है भाई ये। डिसेंट है, अच्छा ही है। तू आइयो भाई एक सेकेंड भाई, मुझे कम से कम खुद अब ये फार्म नहीं करने पड़ेंगे यार, और दैट वॉज सच अ हैसल। और अब कुछ भी भाई डक टॉयज वगैरह की स्ट्रैटेजी की भी जरूरत नहीं है भाई, दिस इज़ प्रिटी गुड। अगर मैंने चार बंदे असाइन कर दिए ना इस पर, ये लोग इतनी तेज भाई 10,000 पहुँचा देंगे ना यार। ओके डूड आई हैव टू ब्रीड मोर अनुबिस डूड। एक बार को चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना भी अनुबिस लगा के देखता हूँ, क्योंकि आई थिंक इसका वर्क स्पीड थोड़ा तेज है आई थिंक। भाई कितनी जल्दी फार्म हो रहा है, मेरे को लग रहा है 2 ओवर पर सेकेंड है यार, 2 ओवर या 3 ओवर पर सेकेंड चल रहा है भाई, दिस इज क्रेजी, इधर क्रेजी है भाई। ओके ये चीज़ काफ़ी सही है भाई, इन्होंने बहुत ही सही किया ये डाल के। ऑल्सो इन्होंने भाई ये किया डाल दिया रिंग ऑफ मर्सी, या आई वांट ट्राई दिस आउट। तुम लोग ये देख रहे हो क्या भाई, कितना लैगी हो गया गेम यार, मेरा बेस बिल्कुल लैग नहीं करता था पहले यार, अचानक से इतना लैगी कैसे हो गया गेम? व्हाट इज गोइंग ऑन डूड, दिस इज सुपर लैगी यार। रिंग ऑफ मर्सी हम लोग बना सकते हैं, लेट्स गो। एंड थैंक यू बॉय, इसने पहन लिया क्या? पहनना आई थिंक इधर पड़ता है हमें, या तो एक्सेसरी वाले स्लॉट में भाई ये आ जाता है। वैसे उन्होंने आई थिंक एस्ट्रोगन के साथ भी कुछ तो चेंज किया हुआ है कि अब और ज़्यादा फार्म करेगा ऐसा कुछ, तो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन लाइक इसको मैं जितना भी मारूँ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ भाई इसकी एचपी बिलो 1 जा ही नहीं रही है। ओके उसने मारा है तब जाके मराइए, पर डूड दैट इज़ क्रेजी एंड एक्चुअली प्रिटी गुड। तो ये कैचिंग के लिए भाई काफ़ी सही है, ये देखो ये सही चीज़ है यार, इंसानों को पकड़ने के लिए बेस्ट है भाई, लेट्स गो। तो ये भाई 1 HP तो कर ही देता है, विच इज़ प्रिटी गुड एक्चुअली, और इतना टाइम भी नहीं लगता है इसको स्विच करने में रिंग को, तो सही है यार, काफ़ी सही चीज़ है। अच्छा इन्होंने एक और चीज़ भी तो डाली है जो कि है ये, पर इसके लिए हमें डैसी क्लाउड चाहिए भाई, उसे लाइक हम लोग नियरेस्ट बेस पे फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं, विच इज़ प्रिटी डैम कूल। पहली बात तो यार ये कैसे बनाते हैं, आई स्टिल डोंट नो हाउ टू मेक दिस थिंग। इसके लिए हमारे पास सारा सामान भी है, पर क्या हमें ये अपने बेस के अंदर बनाना चाहिए? ओवरलैप्स विद अदर आइटम्स इन द बेस, ये इससे ओवरलैप हो रहा है क्या भाई? लेट्स सी, या हम लोग बना तो सकते हैं यार, पर क्या मुझे बनाना चाहिए यहाँ पे? नो आइडिया मैन, मुझे पता नहीं कितना क्या धमा चौकड़ी मचा सकती है वो बेलिनोर। तो मे बी मैं एक नया बेस बनाऊँ जिसपे शायद मैं लाइक पैल्स रखूँ, पर
आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, वी विल हैव टू सी ब्रो, वी विल हैव टू सी। या तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि वी कैन फाइंड अ न्यू बेस लोकेशन लाइक ऐसे टेम्प्रेरी टाइप का, और वहाँ पे बैटल इनिशिएट कर सकते हैं भाई। लेट्स सी, अगर कुछ अच्छी मिल जाए लोकेशन तो करते हैं भाई बैटल। यार यहाँ पे एक बॉस आता है ना, उसको मार के शायद उसकी जगह हड़प सकते हैं भाई, उसकी जगह हड़प सकते हैं भाई। ये भी जगह काफ़ी अच्छी है यार, यहाँ पे थोड़े बंदे हैं पर वैसे आई थिंक लाइक काफ़ी सही जगह है भाई। भाई ओए किसको उड़ा रहा है भाई तू, ओए बस 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 भाई, बस बस बस, ज़्यादा नहीं। अच्छा ड्रेको मीटियर यूज़ कर रहे हैं क्या? इसको कुछ तो नया अटैक मिलेगा इस ड्रेको मीटियर करके, आई थिंक लेवल 50 का हो गया ना ये तो। या ड्रैगन मीटियर, ओके भाई फटाफट इसको बनाओ यहाँ पे। एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड बेस लोकेशन, लाइक आई थिंक दिस इज़ द गुड लोकेशन टू डिफीट, बट नॉट श्योर ब्रो, नॉट श्योर, लेट्स सी। ओके भाई लेट्स डू इट। इधर लगा दूँ क्या मैं? यार मेरे को डर लग रहा है भाई, आई थिंक लाइक सीधा लगाते सी स्पॉन तो वैसे नहीं होने वाली है, बट फिर भी कुछ भी हो सकता है भाई, हु नोस। ओके सो दैट इज़ द समनिंग ऑल्टर, ये थोड़ा मेरे को आर्क की याद दिला रहा है भाई। और इसके अंदर हमें डालना है कुछ तो स्लैब करके इन्होंने बोला था, समन पावरफुल पैल, पैल स्लैब रिक्वायर्ड। तो भाई हमें एक स्लैब चाहिए, नॉट श्योर फ्रॉम वेयर, बट या तो वी नीड अ स्लैब। आई थिंक मैंने ऐसा सुना था कि लाइक डंजन्स में मिलता है स्लैब, तो वी हैव टू गो लुक फॉर डंजन्स। ओके तो एग्जैक्टली नॉट श्योर भाई कहाँ पे मिलता है वो भाई, क्या केव लग रही है ये, डेजर्ट बायोम वाली केव्स। ओ भाई, यहाँ पे ये भी है भाई, सब कुछ फायर वाला डाल दो भाई तुम इधर। अरे ये कुछ नया आया है क्या फार्म करने के लिए? वेट भाई तू मार तब तक। पर या कैवन मशरूम, इंटरेस्टिंग। इसमें है क्या भाई, इसमें है क्या? मीडियम पायल सोल्स इसमें तो नहीं था। ओके बॉस यहाँ पे है क्या? आई थिंक यहीं पे है। व्हाट इज इट बॉय, व्हाट इज द बॉस? ओह भाई ये तो पपलू बॉस निकला भाई, ये तो नए हम इसको पकड़ने का भी ट्राई कर सकते हैं वैसे तो। ओ भाई आई थिंक इन्होंने थोड़ा हिट मार्कर भी चेंज कर दिया है ना, लाइक ऐसा लग रहा है। ओह शिट भाई बुलेट वेस्ट। अरे यार ये छुटकू वाले ज़्यादा मार रहे हैं भाई। ओए रुकियो जरा, ज़्यादा उड़ रहा है तू, हैं ज़्यादा उड़ रहा है तू। मारो। ओके देयर वी गो। ओके सी, ओ यस ये रहा भाई, लाइफ पेंडेंट भी मिला है पर बेलन और लिबेरो स्लैब कुछ करके मिला हुआ है, स्लैब फ्रैगमेंट मिला है। ओके कंबाइन ऑल ऑफ देम टू क्रिएट अ स्लैब, इंटरेस्टिंग। ओके तो हमें तीन चार ढूंढने पड़ेंगे क्या? आई थिंक वी हैव टू लाइक फाइंड मल्टीपल। ट्रेनिंग मैनुअल एल, ट्रेनिंग मैनुअल दैट ग्रांट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपी व्हेन रेड बाय अ पैल। ओ हम लोग एक्सपी दे सकते हैं पैल को, इसको दो भाई फिर तो। ओ एक और दे सकते हैं, देयर वी गो मैन। आई थिंक लेवल 50 का हो गया भाई इससे, या लेवल 50 ब्रो, दैट्स प्रीटी गुड। तो लाइक एक्सपीरियंस कैंडीज टाइप का हो गया भाई ये तो। ओके तो हमें आई थिंक थोड़े और हराने पड़ेंगे क्योंकि बेलेनोयर का एक ही फ्रैगमेंट अभी तक हमें मिला हुआ है। व्हाट इज द बॉस? ओ भाई फ्लारिस का, ओ सॉरी नॉट फ्लारिस, रैग्नहॉक। यार ये वाला तो कैच करने लायक है एक्चुअली, पकड़ने का मन तो कर रहा है भाई पर किससे मारूं, ऐसे मारूं क्या यार? पर ये मार डालेगा यार। ओके ठीक है ओके, डिसेंट एचपी, नाइस। बस स्टार्ट लाइक लास्ट में मैं बस इस पर गन चला दूंगा, आई थिंक दैट शुड बी फाइन। चलो थोड़ा सा डैमेज तो कर ही देते हैं इसको। डूड दी एआर इज ऑसम यार, ये एआर कुछ ज़्यादा ही ऑसम है। मेरे पास ये भी तो पड़ी थी, मेरे को अटैक मत करियो भाई प्लीज़, सॉरी। मेरे पास शॉटगन भी तो पड़ी है, शॉटगन पर पुरानी वाली है मेरे पास, पर ठीक है चलो चलेगा। डैम बॉय, ओके दैट वाज प्रीटी गुड डैमेज, हेडशॉट पे अच्छा डैमेज पड़ रहा है। ओ ओके मरने वाले, वापस आ। नो, थोड़ा सा और भाई, 1 HP वाली चीज़ OP है भाई। एक स्किन मैंने पहन ही रखा है भाई, मैं ऑलमोस्ट भूल गया था। शिट यार मैं अभी मार देता उसको यार भाई, क्रेजी रेशम मूवमेंट होने वाला था भाई अभी, क्रेजी रेशम मूवमेंट ब्रो, लेट्स गो। OP हूँ क्या मैं? नहीं हूँ भाई, एक स्लैब दे दे यार प्लीज़ चेस्ट। अबे कम ऑन, अरे यार सीरियसली यार। ओके ट्रेनिंग मैनुअल काफ़ी मिल रही है हमें, ओ लेजेंडरी वाली ट्रेनिंग मैनुअल मिली यार, एंशियंट टेक्निकल मैनुअल, अ बुक दैट कंटेन्स लॉन्ग लॉस्ट ब्लाह ब्लाह, यूज टू ऑब्टेन टेक्निकल पॉइंट्स। ओके वी डू नीड दिस, बट इसमें हमें एंशियंट टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिलेंगे,
हमें एक्चुअली नॉर्मल वाले ज़्यादा चाहिए, बट ओके आई जस्ट टेक देम, व्हाई नॉट मैन। पर यार हमें स्लैब नहीं मिला यार, स्लैब फ्रैगमेंट चाहिए था ना यार। ओके भाई, ये वाला अभी तक का सबसे सैटिस्फाइंग बॉस बैटल था, बट ओ या वी डिड गेट वन। ओके तो वो एक सेकेंड हमें ओके इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं क्या, इसके कई डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं। तो हमें एक मिला है भाई बेलेनॉय स्लैब, मतलब नॉर्मल वाला ये, और एक मिला है हमें थोड़ी अनकॉमन रेयरिटी का जो कि है बेलेनॉर लिबेरो स्लैब। तो क्या हमें भाई ये वाला हराना चाहिए या फिर ये वाला हराना चाहिए फिर, तो क्योंकि ये वाला आई थिंक थोड़ा सा आसान होगा एंड ये वाला हल्का सा मुश्किल हो सकता है। ओके तो भाई मेरे पास 3 स्लैब्स हो चुके हैं नॉर्मल वाले, और 2 स्लैब्स मेरे पास अभी भी लिबेरो वाले हैं। पर मुझे तो यार यही लगता है नॉर्मल वाले को हराना ज़्यादा सही रहेगा, लिबेरो वाला थोड़ा और मुश्किल हो सकता है भाई। बट यार तो इसको बनाने के लिए तुम लोग को जाना पड़ता है एक्चुअली इसके अंदर प्रोडक्शन असेंबली लाइन में, यू कैन एक्चुअली मेक अ स्लैब। तो हमें 4 चाहिए टोटल, एक हमें और चाहिए एंड दैट विल बी इट। बट ऑल्सो लाइक ये डंजन करते करते भाई मैं 50 लेवल का हो गया हूँ भाई फाइनली, एंड यहाँ मैन आई कैन मेक द सैडल नाउ, आई कैन मेक द सैडल। और मुझे एक ये भी बनाना था रॉकेट लॉन्चर, इसके लिए पैल मेटल चाहिए क्या यार? ओके ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत आएगी भाई, थोड़ा दिक्कत आएगी। मेरे पास थोड़ा सा पड़ा था, वैसे 12 पड़ा है भाई मेरे पास। ओके लेट्स मेक दिस ब्रो, लेट्स ट्राई टू मेक दिस। सर्किट बोर्ड कैसे बनता है भाई, हाउ डू यू मेक अ सर्किट बोर्ड? ओके प्योर क्वार्ट्ज और पॉलीमर हमारे पास है, बट वी कैन मेक मोर इफ यू वॉन्ट टू। पता है इसमें कुछ और भी नए ऑप्शन आए हैं, लेट मी जस्ट सी ब्रो, एक बार ये बन जाए ना तो चेकआउट करते हैं भाई। पर क्राफ्टिंग में भी आई थिंक कुछ तो नया आया है भाई, तो इधर मैं गया था ना तो ये आ रहा है देखो, अलाउ ट्रांसपोर्ट बाय पैल्स। इसका मतलब क्या हुआ ये समझ में नहीं आया मेरे को, पर ओके एक ही डैजी क्लाउड बना के देखते हैं विथ लाइक अलाउड ट्रांसपोर्ट विथ पैल्स, क्या होता है भाई इससे? नो आइडिया मैन, आई थिंक ऐसा होता है जैसे ही प्रोड्यूस हो जाए तो वैसे ही वो लोग ट्रांसपोर्ट करके लाइक किसी चेस्ट में रख देंगे ऐसा कुछ शायद से, अगर वर्क पैल्स हो। ये तो मेरा लाइक पार्टी वाला पैल है ना शायद, इसलिए नहीं हुआ। ओके तो हमें 50 सर्किट बोर्ड चाहिए ब्रो, दैट इज़ टू मच मैन, एंड 200 रिफाइंड इनगेट्स, वॉट? ओ भाई एक सेकेंड, इन्होंने ख़त्म कर दिया क्या? 999 ऑलरेडी हो गए क्या इनके? ओ माई गॉड भाई ऑलरेडी इन्होंने 999 कर दिया भाई, डैम ब्रो यू बी किडिंग मी मैन। ओके यहाँ पे थोड़ा चेस लगाते हैं, बट या मैन एज यू कैन सी भाई इतनी जल्दी ये लोग खत्म कर देते हैं, 10,000 और ऐसी कर दी उन्होंने। मैं पता नहीं क्यों फालतू में यहाँ पे फार्म करने आ गया था, मैं भूल ही गया था मैंने लगाया हुआ है। ओ ये वाला बग अभी तक काम करता है, ऑसम, ऐसे पकड़ के हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं भाई कुछ भी, ऑसम भाई। इसको रखेंगे हम लोग यहाँ पर, लेट्स गो। तो भाई वेट वाली चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आती, बट या मैन ये लोग कितने ओपी हैं यार, इतनी फटाफट इन्होंने ख़त्म कर दिया। ओके लेट्स गो बैक, 10,000 और शुड बी इनफ फॉर डेज ब्रो होपफुली। ओ यू हैव टू बी किडिंग मी, यू हैव टू बी किडिंग मी यार, मुझे आज ऑलरेडी एक शाइनी मिल चुका है यार, मुझे आज ऑलरेडी एक शाइनी मिल चुका है भाई, अब क्या आ गया है? व्हाट इज इट? अरे यार ये आई थिंक मेरे पास है इसका शाइनी भाई, इसको मार रहा हूँ भाई मैं। निकल यहाँ से यार, एक एक्चुअली कोल का भी आउटपोस्ट आई थिंक होना चाहिए भाई, क्योंकि कोल भी लाइक एक प्रॉपर रिसोर्स है इसमें, लाइक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो मे भी कोल का, क्वार्ट्स का, लाइक इन सब चीज़ों का भी शायद होना चाहिए। या फिर ये लोग एक काम कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ओर्स है ना उनका एक अलग से ये लोग सेपरेट आउटपोस्ट बना सकते हैं, और वहाँ पर तो मे बी लाइक सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, उसमें तुम सिलेक्ट कर सकते हो भाई किसका आउटपोस्ट बनाना है इसको, कोल का या फिर क्वार्ट्स का या फिर सल्फर का, वैसा कुछ आई थिंक ऑप्शन हो सकता है भाई, दैट माइट बी गुड। नो वे, यू हैव टू बी किडिंग मी यार, ये तो फुल मजाक चल रहा है भाई। गाइस मेरी कोई गलती नहीं है, जो हो रहा है वो हो रहा है, नथिंग आई कैन डू मैन, मेरे को गेम की इंटेग्रिटी पर डाउट हो रहा है भाई। और इस एरिया में पता नहीं आते भी क्यों ज़्यादा ही हैं। ओके ठीक है चलो इस वाले को पकड़ लेते हैं, आई विल जस्ट पुट ऑन द रिंग। देखिए इसमें 20 FPS आ रहा है भाई, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ओ यार अच्छा ये लोग ना मार दें यार, लाइक मैंने तो रिंग पहनी हुई है पर ये लोग मार सकते हैं बीच में, तो दैट इज़ गोना बी अ प्रॉब्लम। बट यू नो व्हाट, ओ शिट लेजेंडरी स्फीयर था ये,
ओके गलत हो गया भाई, गलत हो गया थोड़ा सा, पर ठीक है पकड़ में तो आया। नॉइस। अरे यार क्या क्या चल रहा है ये, मैं रो दूंगा भाई, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। द पैल गॉड्स आर ट्राइंग टू फूल मी ब्रो। मतलब कुछ अच्छा शाइनी मिले तो है भाई, ये क्या चिड़िया विड़िया का शाइनी मिल रहा है, क्या करूंगा मैं इसका बताओ। नो वे। हाँ ओके ठीक है, कुछ नया हो तो भाई चलेगा मेरे को। ओके फुआक का है, यू नो व्हाट, आई विल कैच इट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चार लेवल का है, थोड़ा आराम से भाई इसको पकड़ना पड़ेगा। वो इधर निकल लड़के भाई, पर कुछ ज़्यादा ही शाइनीज नहीं मिल रहे हैं, लाइक क्या चल रहा है भाई। इस एपिसोड में प्रॉब्लम लाइक 5 या 6 शाइनीज हमें मिल चुके हैं, जिसमें से 2 तो मैंने मार ही दिए, बट यहाँ मान लाइक क्रेजी शाइनी डे ब्रो। ओके आई थिंक हमारे पास भाई सारा सामान हो चुका है फॉर दिस सैडल, एंड होपफुली इट विल बी डोप। ओके लेट्स गो, लेट्स डू इट बॉयज, लेट्स डू इट। एंड भाई सैडल तैयार है, ओके लेट्स ट्राई इट आउट। जेट्रेगोन्स मिसाइल लॉन्चर, आई जस्ट वांट टू ट्राई द स्पीड ब्रो। इसकी नॉर्मल स्पीड ही तो देख रहे हो कितनी ज्यादा है, ओ माय गुडनेस ब्रो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। ओके यार दिस इज सुपर फास्ट भाई, इतनी मैं तो, अगर मैं उससे उड़ रहा होता पापा की परी से तो भाई वो तो अभी तक गेट तक भी नहीं पहुंच पाता भाई। गॉड डैम दिस गाय सुपर फास्ट मैन। मैं तो सोच रहा हूँ कि लाइक एक और जेट्रेगोन पकड़ेंगे और फिर ब्रीड करेंगे ब्रो, और ट्राई करेंगे कि बेस्ट एबिलिटीज आ जाएं। पर आई थिंक लाइक एक दिक्कत उसमें ये है कि जो लेजेंड वाली एबिलिटी होती है ना वो नहीं आ सकती, या ये वाली जो एबिलिटी है ना आई थिंक वो तुम ब्रीड वालों पे नहीं डाल सकते शायद से। पर ये एबिलिटी भाई है बहुत सही, इसमें मूवमेंट स्पीड 15% इंक्रीज होती है, तो इट इज़ प्रीटी गुड। ओके भाई अब काम काफ़ी आसान हो जाएगा, थोड़ा सा इसका स्टैमिना कम है वो तो है वैसे। ओके तो अब हम लोग फाइनली हंटिंग को जा सकते हैं फॉर मोर स्लैब्स, मेरे को बस एक और चाहिए बेलनोर नॉर्मल वाले का, एंड वी शुड बी गुड टू गो। अरे हमने इसकी वो तो ट्राई करी नहीं एबिलिटीज, एरियल मिसाइल क्या है भाई ये, फायर। ओ भाई ओके ओके मैं स्पैम भी कर सकता हूँ भाई इसको तो, गॉड डैम डूड काफ़ी जल्दी लाइक ख़त्म हो जाती है इसकी एबिलिटी है, पर क्या डैमेज हो भी रहा है इतना, आई डोंट थिंक इतना डैमेज हो रहा है एक्चुअली। या मैन डैमेज इतना नहीं हो रहा है, लाइक नॉक बैक अच्छा मिल रहा है उसको, पर देखा जाए तो डैमेज इतना हो नहीं रहा है भाई। आई थिंक ड्रेको मीटर ज़्यादा अच्छा है भाई उससे, अच्छा तो ड्रेको मीटर इज मच बेटर, फिर फायर बॉल भी अच्छा ही होगा आई थिंक। ओ डूड आई मीन हाँ ऑफकोर्स आइस टाइप था ये तो फायर बॉल इस पर अच्छा हुआ, पर या इन जनरल लाइक मिसाइल लॉन्चर ठीक ठाक ही था, मतलब इतना कुछ ज़्यादा खास भी नहीं था। एंड बीम कॉमेट क्या, अच्छा बीम कॉमेट वो होगा जो बीम्स निकलती हैं, डूड दैट इज़ अ कूल अटैक, कुछ मिलता है तो उस पर यूज़ करके देखते हैं, इस पर यूज़ करते हैं। यो बड़ी बॉय इसको, लेट्स सी इफ आई कैन सी इट लाइक दिस, थोड़ा लेट हो गया मैं के नो प्रॉब्लम, बढ़िया थोड़ा इससे भी कम ही डैमेज हुआ देखा जाए तो। ओके सो वी डिड गेट इट, तो हम लोग के पास भाई 4 हो चुके हैं नॉर्मल वाले और 3 है ये वाले, ठीक है भाई। वैसे देखा जाए तो हम लोग सीधे यहाँ पर भी जा सकते हैं, पर पता है मैं एक्चुअली सोच रहा था कि क्यों ना बेस पर ही किया जाए फाइट, ये वाली फाइट यार कुछ ज़्यादा ही सेफ होगी, अगर हमने यहाँ पे किया ना इट विल बी टू सेफ ब्रो, कुछ रिप्रकेशंस नहीं होंगे यार, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना बेस पे किया जाए, बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, पता नहीं कितना हार्ड होगा ये बॉस, पर मुझे लग रहा है लाइक डेफिनेटली एक टावर बॉस की तरह होने वाला है, उतना तो शायद हार्ड होने वाला ही है, मे बी नॉट एज हार्ड एज जेट्रेगोन, हु नोज मैन, पर यू नो व्हाट या मैन श्योर, ठीक है हम लोग इसको भाई करने वाले हैं एट द मेन बेस, शायद मैं भाई बेवकूफ़ी कर रहा हूँ अभी, पर मुझे थोड़ा वो रिस्क चाहिए भाई, आई वॉन्ट द रिस्क, लेट्स डू इट ब्रो। तो इसमें हम लोग डाल सकते हैं कहाँ गई ये, पर हमें आई थिंक इनका या फ्रैगमेंट्स हम लोग नहीं डाल सकते, लेट मी जस्ट मेक अ स्लैब आउट ऑफ दिस। सो इसके अंदर भाई स्लैब आई थिंक बनता है, या देयर वी गो भाई, बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी बचने वाली है इधर, वैसे ही वाला बेस थोड़ा सा लैगी हो रहा था, और अगर मैंने यहाँ पर बैटल चालू करी ना, नो आइडिया भाई क्या होने वाला है। एक सेकेंड यार, पहली बार तो इनको मैं अंदर डाल दूँ, एंड लिस्ट यू नो एक्चुअली यू नो व्हाट, सबको अंदर डालते हैं। मैं सोच रहा हूँ सोन पपड़ी के ऊपर बैठ के मैं इसको मारूँ, शायद वो अच्छा हो सकता है, लेकिन आई कैन यूज़ माई अटैक्स, आई कैन गेट आउट अगर कुछ गलत हो जाए तो हाँ मेरा अभी आइडिया तो यही है, चलो देखते हैं किसको निकालना है। बट ओके यू नो व्हाट, लेट्स गो टू दिस बेस, थोड़ा सा बैकअप प्लान मैं तैयार करने की सोच रहा हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा अपना सामान छोड़ देते हैं अपन लोग, तो लेट मी जस्ट कीप दिस थोड़ा बहुत अपना सामान छोड़ देते हैं भाई इधर,
आई थिंक वी आर रेडी बॉयस, आई थिंक वी आर रेडी। जितने हो सके हम लोग उतने बंदों को बाहर निकालते हैं। तो फिर एक तो निकालते भाई जॉमेंटाइड, या वी विल टेक अ जॉमेंटाइड एंड स्टाइल बर्स। एस्ट्रोकॉन को भी निकाल लेते हैं, ये तो ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं वैसे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। जोई ग्रिसबोल्ट यार थोड़ा चीटी हो सकता है, आई थिंक जोई ग्रिसबोल्ट को नहीं निकाल रहा मैं। एंड पापा की परी फॉर श्योर। और भाई कोई है क्या अपने पास? ओ पायरन को हम लोग निकाल सकते हैं, मेरे पास शाइनी पायरन है भाई। अरे ये रहा ना रेप्टीरियो, भाई रेप्टीरियोस बहुत सही काम कर सकते हैं। एक्चुअली किंग पाका क्रिस्प भी अच्छा हो सकता है, सो वाई नॉट वन। ओके कितना कितना धमाचौकड़ी ऑलरेडी मच गई, कुछ ज़्यादा ही मच गई भाई। तुम्हारे कान फटने वाले हैं, किसी ने भी हेडफोन्स लगा रखे हैं ना भाई, सॉरी बट यार इट्स नॉट गन गो वेल। ये लो वीकेंड फ्रैक्चर क्यों है भाई पता नहीं। बट ओके लेट्स गो, लेट्स डू इट। प्लेस किया मैंने इस पर। ओके भाई डर लग रहा है भाई, मेरे बेस को कुछ हो ना जाए यार, हो भी सकता है भाई पता नहीं, हम लोग ही रिस्क ले रहे हैं करके। इफ़ यू समन अ पावरफुल बॉस एट योर बेस देयर इज अ चांस दैट ऑल स्ट्रक्चर्स इन योर बेस विल बी डिस्ट्रॉयड, ऑल पैल्स ऑन द बेस विल बी इनकैपेसिटेटेड, प्रोसीड विद द समनिंग। श्योर लेट्स डू इट। ओ ओ ओ माय गॉड व्हाट इन द हेल, ये क्या? अच्छा वो धरती वो हिला रहा है भाई, क्या चल रहा है ये? डूड दैट इज सो मच लैग। एक सेकंड, मेरे पास असॉल्ट राइफल एमो नहीं है क्या? ओ मैंने बनाया था थोड़ा सा, एक सेकंड बैटल से निकलना पड़ रहा है मुझे, पर हम लोग अच्छा डैमेज कर रहे हैं भाई। ओके एमो थोड़ा सा मिल गया हमें, अच्छी बात है। डूड वी आर डूइंग ग्रेट डैमेज। ओ माई गॉड ये क्या कर रहा है, कहाँ है ये? उधर है क्या? बेस से बाहर ना निकल जाए। ओ इसने ये तोड़ दिया। ओ भाई इसने ब्रीडिंग चेम्बर तोड़ दिया, ये रहा देखो ऊपर। अच्छा नहीं तो एस्ट्रोकॉन है। Dude, where is this guy? Okay, wait, let me sit on Jettergon. Wait, निकल यहाँ से। Let me sit on Jettergon and see, bro. इसको music तगड़ा है भाई। oh my god, Jettergon, थोड़ा सा रुक जा तू। कहाँ पे है? अच्छा ये रहा। भाई मेरे को तो दिख भी नहीं रही अभी तक सही से। Okay, इसका attack use करते हैं। Okay, ठीक है। मैं इसको stun कर सकता हूँ I think। भाई crazy चल रहा है भाई, क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है भाई? Damn, bro. ये पता नहीं उल्टा होके क्या अटैक कर रहा है। ओ मेरे अटैक्स हाईली इफेक्टिव है उस पर, नाइस। ओ शिट ओके ये तो टॉर्नेडो टाइप का कर रहा है भाई। जब तक हम लोग इधर नहीं जा रहे हैं तब तक आई थिंक वी आर फाइन, बिकॉज यहाँ पे ही मेन बेस है। बाकी ये सब तो मैं वापस बिल्ड कर सकता हूँ भाई। प्लीज़ उधर साइड मत जाना, प्लीज़ उधर साइड मत जाना भाई। ये लोग यार काफ़ी अच्छा डैमेज कर रहे हैं भाई। अच्छा 10 मिनट का वैसे हमें टाइम लिमिट मिला था, 8 मिनट हो चुके हैं। ओ नो 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 ओके शिट, बेस के पास जा रहे हैं लोग, बेस के पास जा रहे हैं। नहीं उधर मत जा रहा हूँ, बस उधर मत जाओ भाई। मेरे पास हंगरी हो रहे हैं, एक सेकेंड, मैंने फूड तो रखा हुआ है तो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। अगर इनको भूख लगे तो दे कैन गो ईट। ओ भाई क्या धरती हिलाता है भाई ये बंदा। शिट ब्रो मेरे को नीचे जाना पड़ेगा थोड़ी देर। ओके भाई कम से कम बेस के पास मत आओ बस तुम। 200,000 हम लोगों ने एचपी कर दिया भाई, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा इसमें। ओ व्हाट ये क्या था, व्हाट द हेल वाज दैट ब्रो? कुछ फटने की आवाज़ आई भाई। बीम कॉमेट करो, चलो लेट्स गो। मेरे को लग रहा है आधे लोगों को तो दिख भी नहीं रहा होगा भाई कहाँ पे है ये अभी। 180,000 ओके कूल। वेट सर्वर रीसेट हो रहा है इन 15 मिनट्स। आई थिंक 15 मिनट्स में तो हम लोग हरा ही सकते हैं इसको। वी कैन ईजिली डू इट ब्रो, नो प्रॉब्लम। ड्रैगन मीटियर लेट्स गो करना। अरे भाई इसकी स्टैमिना ही खत्म हो जा रही है। ओके वेट लेट मी, भाई धरती हिलाना बंद करो भाई तुम। एक मिनट भाई तू इधर जा फटाफट, अभी थोड़ा सा अपने मन से अटैक कर पाएगा। आई थिंक इस गेम में भाई जेट पैक वगैरह कुछ होना चाहिए भाई। 160,000 कैसे पहुंच गए अपन, कितनी देर में पहुंच गए पता ही नहीं चला। 6 मिनट्स गाइस, कैन वी डू इट इन लाइक 6 मिनट्स? हम लोग ने ऑलमोस्ट आधे टाइम में लाइक आधा तो कर ही दिया है। नॉट श्योर ब्रो, भाई हंगरी बहुत हो रहे हैं लोग यार। वाई आर नॉट ईटिंग? मेरे पास आ रही है। ओह शिट यार मेरे बेस के थोड़ा पास आ गई भाई, और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है भाई। ये तुम स्काई देख रहे हो? डूड लुक एट दिस मैन, पूरा उसने अपने रंग में रंग दिया है भाई। और पता नहीं म्यूजिक को क्या हो गया, लाइक म्यूजिक हैज ब्रोकन ब्रो। अच्छा मेरे पास ऐसे असॉल्ट राइफल है, लेट्स जस्ट ट्राई दैट, लेट्स सी इफ दैट डज एनीथिंग। यही ओ भाई 200 नाउ इज नॉट बैड एट ऑल, नॉट बैड एट ऑल। ओए मैंने अभी तक तो इसका मुखड़ा सही से देखा भी नहीं है भाई, इतना ज़्यादा भीड़ा भाड़ी हो रखी है। ओए फिर से वो फटने की आवाज़ आई, पता नहीं क्या है वो।
There we go. One lakh. Okay. Almost there, boy. सारे बंदे starving warming हो रखे हैं यार. Shit. Okay. Injury, fracture. थोड़ी दिक्कत तो है. वो incapacitated हो गया भाई ये तो. King Paka तो incapacitated हो गया. Dude, maybe we like health तो ऐसे सही है सबकी. बाबा की परी की health थोड़ी कम है. But like most of them are okay, I guess. Oh wait, what? कहाँ गई Bellarina? Oh shit. Oh no. इसने मेरा base उड़ा दिया वहाँ से. Oh shit, यार वो गलत जगह पहुँच गई. Shit. Okay. मुझे देखना पड़ेगा भाई damage कितने हो गया. Damage ज़्यादा ना हो गया हो भाई. That ain't good. जल्दी आ भाई सोन पपड़ी. अभी तू क्या कर रहा है इधर Jormantide? काम कर ले कुछ. कहीं 4 मिनट बचे हैं. इसने मेरा बेस यहाँ तक तोड़ दिया यार. राइट साइड का थोड़ा सुपड़ा साफ कर दिया. ओह नो, आई थिंक द गेम इज़ बग्ड. मैं लाइक उस पर बैठा हुआ हूँ फिर भी राइड करके आ रहा है. डूड, द गेम इज़ ब्रोकन. वी ब्रोक द गेम गाइस. ओह माय गॉड, मैंने क्या क्या उठा लिया ये. अच्छा, चेस्ट टूट गई थी ना. डूड, द गेम इज़ ब्रोकन. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यार. नहीं यार, दिस इज़ नॉट हाउ वी विल डाई. मैं अपनी इन्वेंट्री नहीं खोल सकता हूँ भाई. 6000 मैंने कहाँ से उठा लिया. डूड, आई हैव टू रीस्टार्ट या फिर मुझे रिस्पॉन कर. मैं एस्केप भी नहीं दबा सकता. क्या चल रहा है ये यार. ऐसे तो हम लोग उसको हरा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट फाइटर पे तो बैठा हूँ मैं अभी, और ये अटैक भी नहीं करेगा. ओके, अटैक कर रहा है. ओके, अटैक तो कर रहा है, बस मुझे दिख नहीं रहे हैं प्रॉम्प्ट्स. ओह माय गॉड गाइस, देखो ये है भाई Bellarina या जो भी है इसका नाम. क्या अटैक करती है घूम घूम के. ओ, इसका कुछ तो घूमने वाला अटैक है ना. आई थिंक वो ताकतवर ये वाला है जिसमें पूरी पलट जाती है ये. ओके, फाइनली मैं उस पर से उतरा. आई कैन डू दिस. मैं इसको गिरा सकता हूँ, इसको गिरा सकता हूँ. ऑसम. अभी भी वेट कैसे ज़्यादा है मेरा. अरे यार, डैम डूड. ओके, फाइनली हम लोग डिले उसे. भाई 3 मिनट बचे हैं. 30,000 HP बची है इसकी. निकल पाएंगे क्या इसको. कैन वी डिफीट हर. भाई पापा की भाई हैज़ बीन इनकैपेसिटेटेड. इसके अंदर घुस गई क्या पिलर के अंदर ये. डैम, एक सेकेंड भाई. सब लोग वापस अंदर आओ सब लोग. ओ शिट. मैं मर जाऊंगा. शिट, मेरे को सबको बाहर निकालना पड़ेगा पर कुछ भी करके. दैट डिड वर्क दो. ओ भाई डूड, मैं मर जाऊंगा. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है भाई. 18,000 भाई, आधा बेस तो इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है. डीएमसन, ये देखो भाई, लुक एट द डैमेजेस. ओ माय गॉड, मैं जाना भी नहीं चाहता उधर क्योंकि फिर हम लोग ओवरवेट हो जाएंगे भाई. बट लुक एट दिस, उसने पूरा अंदर तक बेस भाई उड़ा दिया है. आधा राइट लाइक राइट साइड उड़ा दिया भाई उसने. 5,000 4,000, कम ऑन बॉयज, वी कैन डू दिस ईजी पीजी. अरे इधर का भी उड़ा दिया भाई. कम ऑन मैन, एंड देयर वी गो. लेट्स गो. बॉस एलिमिनेटेड. और कुछ तो हमें और भी चीज़ें मिली हैं. एक सेकेंड, इसकी बॉडी कहाँ है. उसकी बॉडी पे भी कुछ होगा भाई फॉर श्योर. पर हाँ भाई, काफ़ी कुछ मिला है. एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉप दिस. इसकी बॉडी कहाँ है भाई. सब कुछ तोड़ दिया यार उसने. लाइक हमारे जो भी यहाँ पे फार्म वार्म थे तोड़ दिए. फॉर्चुनेटली यहाँ पे ये बेड नहीं टूटे तो वो अच्छी बात है. वहाँ पर कुछ नहीं टूटा पर लाइक बहुत डैमेजेस हैं डूड, बहुत ज़्यादा डैमेजेस हैं. हमारे काफ़ी बेस डिस्ट्रॉय कर दिया भाई उसने. ये सब वापस बनाना पड़ेगा. एंड दिस, ओ माई गॉड. अरे शिट यार, यहाँ पर मेरी, ओ नो, यहाँ पर मेरी चेस्ट थी यार. यहाँ पर ओके, मेरा स्टोरेज था यहाँ पर. ओके, दैट इज़ गॉन. कितना मेटल लगा था भाई उसको बनाने में. दैट इज़ ऑल गॉन. इसकी बॉडी तो दिख ही नहीं रही है यहाँ पे यार. वेर इज़ इट मैन. आई डोंट थिंक उसमें कुछ मिलता है. पर हमें भाई मिला एक एंशिएंट सिविलाइजेशन कोर और ट्रेनिंग मैनुअल. ओके ठीक है. और ट्रेनिंग मैनुअल एम भी मिला है और मीडियम पैल सोल्स भी मिला. आई थिंक इसी से मिले हैं. बट हमें एक ह्यूज ड्रैगन एग मिला है. क्या हमें इसी से मिला है क्या. आई डोंट थिंक सो मैन. या आई थिंक मैंने किसी चेस्ट में रखा हुआ था और मेरी इन्वेंट्री में आ गया ये. बट मल्टी क्लाइमेट अंडरशर्ट मिली है. ये वही वो चीज़ है जिसके बारे में बात कर रहा था मैं. हीट और कोल्ड रेजिस्टेंस दोनों देती है भाई ये. तो अगर इसको लगा के देखें हम लोग. ओ या मैन, लुक एट दैट भाई. मतलब हीट और कोल्ड का वो इंडिकेटर है ही नहीं अब. हम लोग आई थिंक दोनों जगह पे जा सकते, लाइक किसी भी क्लाइमेट में जा सकते हैं एंड कोई दिक्कत आएगी नहीं शायद अगर मैं इसको निकालूँ. हाँ तो फिर थोड़ा सा लाइक दिक्कत आई. पर हाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है. अंदर से थोड़े से डैमेजेस देखे जाएँ भाई, कैसा लग रहा है बेस. ये पूरा नीचे वाला एरिया इसने तोड़ दिया है. यहाँ पे एक्चुअली मेरी चेस्ट थी और मेरा एक वो फ्रिज था. दैट इज़ ऑल गॉन. यहाँ पे भी मेरी चेस्ट लगी थी. ओ माय गॉड. ओ भाई शिट. अच्छा ये पूरा एरिया निकल गया ना यहाँ का. ओ माय गॉड मैन. खैर भाई, गलती भी किसकी थी, मेरी ही थी यार. व्हाट कैन वी डू. बढ़िया गाइस, दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप यू गाइस एंजॉयड. अगर मजा आया भाई लाइक वाइक मार देना.
अगले एपिसोड में मिलते हैं विद मोर क्रेजीनेस। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।